मैंने बोला था कि सीजल फोर की वैकेंसी अगस्त सितंबर में आएगी, लेकिन सीजल फोर की वैकेंसी देरी होगी। जब मैंने पता लगाया कि सीजल फोर की वैकेंसी देरी क्यों होगी, तो स्पष्ट शब्द में कहा गया जो आरक्षण का मैटर है, वो आरक्षण का मैटर हाईकोर्ट रद्द किया है और रद्द करने के बाद इसी कारण देर होगी। अब जानकारी होगा, जब सीजल फोर की वैकेंसी आयोग में गई थी, आयोग में जाने के बाद जब आरक्षण दिया गया था 65% एबीसी ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी जातिगत जनगणना के आधार पर, फिर वैकेंसी को मंगा ली गई थी किसके लिए, रोस्टर क्लियरेंस के लिए। इसके बाद नीतीश गवर्नमेंट नीतीश सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन में चली गई, फिर मामला ज्यों का त्यों रहा। फिर बाद में उठी थी कि चुनाव के बाद अगस्त सितंबर में आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी, सीजल फोर की वैकेंसी, लेकिन सीजल फोर की वैकेंसी में देरी होगी, निश्चित रूप से देरी होगी सीजल फोर की वैकेंसी में। कोई स्पष्ट सीमा अभी जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि लास्ट हो सके साल भी लग जाए, इस साल के अंत में भी सीजल फोर निकले, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए सीजल फोर की वैकेंसी में देर होगी। अगस्त सितंबर में मैंने बोला था सीजल फोर अगस्त सितंबर में नहीं निकलेगी, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस आरक्षण का मैटर बहुत सारा मैटर, जिस कारण यह हो सके कि लास्ट साल चल जाए या कोई तिथि अभी मुझे लास्ट साल भी चल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।